भाजपा के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से गंधमानी विधानसभा में असंतोष दिखने लगा है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 197 गंधमानी में भाजपा की ओर से रमेश जुनापनों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह था, लेकिन टिकट वितरण में भाजपा ने पिछले विधानसभा में हजारों वोट से हारे हुए प्रत्याशी पर फिर से विश्वास जताया है, जिसे कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि क्षेत्र के लोकप्रिय नेता अपने समर्थकों के साथ आज गंधमानी तहसील कार्यालय पहुंचे व विधानसभा चुनाव का नामांकन फॉर्म लिया। जुनापानी के समर्थकों का कहना है कि पार्टी ने सबसे लोकप्रिय व्यक्ति का टिकट नहीं देते हुए हजारों वोट से हारने वाले दावेदार को उम्मीदवार बनाया, जिसके खिलाफ जाकर हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। अच्छा बताएं कि क्या कुछ है आज यहाँ पे, आज नामांकन लेने आप जुनापानी जी के साथ पहुँचे हैं? जुनापानी के साथ में थे, कम से कम 500 कार्यकर्ते है हमारा, सभी नाराजी है। हमने रमेश जुनापानी का बोला कि टिकट लाओ, इस बार हम विधानसभा जीतेगा, कुछ कारण से इनको टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय इस बार लड़ाएंगा। जीतोगे तुम? जीतेगा हम, इतनी मेहनत कर लो। हाँ, करेंगे। 500 कार्यकर्ता है हमारे पास, सभी नाराजी है। भाजपा ने जुनापानी जी को टिकट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं नाराजगी है आप सभी लोगों में? सबकी नाराजगी है, कम से कम 500 कार्यकर्ता नाराज है, इसीलिए हम निर्दलीय जुनापानी को लड़ाएंगा। जीतोगे? जीतेगा, वो तोड़ से जीतेगा है कि पूरे बहुमत से जीतेगा। क्या कुछ तैयारी आपकी और क्या आपका मन है? देखिए भाई साहब, तैयारी तो हमने क्या है कि पूरी तरह से पहले से कर ली थी और हमारी मेहनत इतनी थी और कार्यकर्ता में इतना उत्साह और जोश था कि हमको अगर पार्टी अगर टिकट देती है तो हम मतलब 100% चुनाव जीत रहे थे, लेकिन पार्टी ने कुछ निर्णय गलत ले लिया। इससे क्या है कि कार्यकर्ता में बहुत सारी नाराजगी है और कार्यकर्ता उनका मेरे ऊपर पूरी तरह से दबाव है कि आपको चुनाव किसी भी कीमत पे मैदान में उतर कर लड़ना पड़ेगा, और कार्यकर्ता इस प्रकार से जो दबाव मेरे पे है उस प्रकार से मैं मतलब चुनाव लड़ना चाहता हूँ और चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। अच्छा, क्या कुछ तैयारी रहेगी आपको, कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा? पूरी तरह से, पूरी विधानसभा में कार्यकर्ता है और पूरी विधानसभा में मायूसी छाई रही है। जिस प्रत्याशी का चयन किया गया और व्यक्ति विशेष द्वारा चयन किया गया, पार्टी संगठन संघ द्वारा नहीं किया गया। आप मानते हैं कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है टिकट वितरण को लेकर? बिल्कुल, पूरे विधानसभा में मायूसी छाई हुई है और सन्नाटा छाया हुआ है। ये जो टिकट दिया गया, इसमें लगता है आपको कि भाजपा को कहीं ना कहीं हार का फिर से सामना करना पड़ सकता है? ये तो नहीं, 12-13 हजार वोटों से पिछली बार जो कैंडिडेट हारा है उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास किया है, तो कहीं न कहीं मतलब नुकसान तो है,